못하게 예! 머릿 못하게 예! 랄 맞아 첫 너티샷 너티샷 랄 메스라 चमन में फूल खिलते हैं गुलशन बहार बनकर चमन में फूल खिलते हैं गुलशन बहार बनकर 26 जनवरी मुबारक हो फूलों का हार बनकर मेरे अजीज साथियों आप सबको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस मुबारक जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी को पूरा मुल्क गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। इस दिन को मनाने के साथ इसको मनाने की वजह भी हम सबको जानना जरूरी है कि आखिर हम कब से और क्यों जुमुरिया यानी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मोहतरम साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन मुल्क में उस वक्त अपना आईन या जाब्ता मौजूद नहीं था। चुनाचे मुल्क हिंदुस्तान के पहले सदर जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हुक्म से अपना आईन बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई और इसका सदर जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मुंतखब किया गया। जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की सदारत में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में आईन हिंद का मसौदा तैयार किया गया। ये कानूनी मसौदा 26 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट में पेश किया गया और पार्लियामेंट की मंजूरी से ये मसौदा कानूनी शक्ल अख्तियार कर गया और इस आईन को 26 जनवरी 1950 को मुल्क में नाफिज किया गया। इसलिए हर साल 26 जनवरी को यूमी जुमुरिया के नाम पर जश्न मनाया जा रहा है। इस आईन की रूह से इस मुल्क के हर बाशिंदे को बुनियादी हकूक दिए गए। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबके लिए एक ही कानून है। हमारे मुल्क में हर शख्स को अपने धर्म मजहब और रस्म रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आजादी है। इसीलिए पूरे विश्व में हमारा मुल्क एक महान मुल्क माना जाता है, जहां पर जमहूरियत, मजहबी बराबरी, इक्तसादी बराबरी और बुनियादी हुकूक का बोलबाला है। हम इस मुल्क के इस आयन को सलाम करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शुक्रिया।